निक्की बेला के प्यार में जॉन सिन्हा बने देवदास। गाइज मेन टॉपिक पर जाने से पहले आपको एक अपडेट देता चलूं, तो गाइज रॉ में मैंने आपको बताया था आज सुबह वाली वीडियो में कि सेथ रॉलिंस ने ठोका है एक ओपन चैलेंज, जो कि दोस्तों अब कंफर्म हो चुका है। और ये क्या है दोस्तों, केविन ओवंस ने दोस्तों ट्विटर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की जिसके अंदर उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इसके बाद दोस्तों WWE वालों ने उनके इस पोस्ट को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया, यानी कि ये मैच इस बारी की रॉ में हमें देखने को मिलेगा। वेल, इसमें कौन जीतेगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। लेकिन अब हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। तो गाइज, आपने इन बीते सालों में जॉन सिन्हा को हमेशा क्लीन शेव देखा होगा, लेकिन हाल ही में दोस्तों जॉन सिन्हा ने दाढ़ी बढ़ा ली है। जैसे कि आप इन फोटोज में देख सकते हैं, जॉन सिन्हा अब देवदास से लगने लगे हैं। हालांकि दोस्तों काफी कूल दिख रहे हैं, लेकिन यहां जो उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई है उसका रीजन अभी तक पता नहीं लग पाया है। हालांकि दोस्तों खबरें आ रही थी कि जॉन सिन्हा ने जो ये दाढ़ी बढ़ाई है ये उनकी अपकमिंग मूवी के लिए है, जिसकी सूचना अभी तक किसी को नहीं है कि वो मूवी कौन सी है। हालांकि दोस्तों यहाँ टाउन गॉसिप्स की बात की जाए तो यहाँ कई लोगों का मानना ये है कि यहाँ जॉन सिन्हा बन चुके हैं देवदास। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि क्या रहा जॉन सिन्हा और निकी बेला के बीच ब्रेकअप का कारण। और दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आएगा बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और आप फिर से जान जाएंगे कि क्या कारण था। तो यहाँ दोस्तों माना जा रहा है कि जॉन सिन्हा और निकी बेला के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है इसके कारण जॉन सिन्हा ऐसे बन चुके हैं। हालांकि दोस्तों इससे पहले जितनी बार भी हमने जॉन सिन्हा को देखा था हमेशा क्लीन शेव आते थे। कई लोगों तो ये लगता था कि जॉन सिन्हा की दाढ़ी आती नहीं है, खुद मुझे भी ये लगता था दोस्तों कि जॉन सिन्हा को शायद दाढ़ी नहीं आती होगी, लेकिन ये गलत था दोस्तों। जॉन सिन्हा को दाढ़ी आती है लेकिन वो रखते नहीं है। अगर आपको भी यही लगता था तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूले, क्योंकि आपकी और मेरी सोच सेम है। लेकिन यहां दोस्तों WWE इस चीज का फायदा कैसे उठा सकती है, अब ये चाहे देवदास बनने के कारण हुआ हो या फिर दोस्तों अपकमिंग मूवी के कारण हुआ हो, यहाँ WWE अपना मतलब निकाल सकती है। अब वो कैसे कर सकती है ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। अगर आपकी भी ये इमेजिनेशन मेरे साथ सही बैठती है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूले। ये मेरी इमेजिनेशन है और ये इमेजिनेशन ऐसी है दोस्तों कि हमने इतने सालों में जॉन सिन्हा को देखा है एज ए फेस और एज ए क्लीन शेव गाय, यानी कि दोस्तों क्लीन शेव गाय को हम जोड़ सकते हैं गुड गाय से, और यहाँ हम दाढ़ी वाले जॉन सिन्हा यानी बियर्ड वाले जॉन सिन्हा को जोड़ सकते हैं एक हील के साथ, यानी कि बैड गाय के साथ। यहाँ WWE को चाहिए जॉन सिन्हा को वापस बुलाए और बैड गाय यानी हील में कन्वर्ट कर दे, तो कितना अच्छा होगा दोस्तों, आप इमेजिनेशन करके सोच सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। और मेरा जो ये विचार है उनके हील वाला विचार और दाढ़ी बढ़ाने वाला विचार, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि वाकई में WWE को ऐसा करना चाहिए कि नहीं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।